गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव के लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं और नगर पालिका है कि लोगों की को शुद्ध पानी देने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। नगर पालिका ने लाखों करोड़ों रुपए की नल जल योजना लगा रखी है, लेकिन वो अभी तक योजना चालू नहीं की जा सकी और इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। गाँव के लोग पानी का गड्ढा खोद कर दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। यह है बोरूर में कुछ में पानी नहीं है, कुआं में सूखा हो गए, पानी बहुत तकलीफ है। कहाँ ला तो पानी का? हमारा नदिया से झरिया कोड़ के पानी की था। अच्छा, कतेक दिन से इसमें पानी की समस्या? पानी अभी 2-3 महीना हो समस्या काला गोठिया को नदिया में जाता ना, नदिया घलो जंगल है और 2-3 किलोमीटर वहाँ पर थे, वहाँ ले लाना था चला तो मन आप मन देखा तो कुआं 2 ठन कुआं है, कुआं में नहीं है बोरिंग पड़ा है, बोरिंग में नहीं है सब सूखा पड़ गए है। अनेक समस्या था हमारे गाँव असंत करती तार में नहीं है साहब। अब ये ऐसे है की यहाँ 20-25-30-40 साल तक पहले से समस्या आते और आज भी समस्या है। अब मैं झूठ न है, हकीकत बात है, आप जाग देख लो, सर्चिंग कर लो, या 25-30 टन बोरिंग है लेकिन एक ठो बोरिंग में एक बूंद पानी नहीं। पानी के गंभीरता समस्या है जी हाँ। इतना छोटे से लेके बड़े तक के पानी पर त्राही त्राही है ना, और यही साल नहीं हर साल ये मौसम आते थे, हर साल यही गति होते। और शासन का कहते कि हम पानी पिए जल पहुंचाएंगे, पिए जल के नाम से यहाँ कुछ करेंगे, ऐसे है कि दरभंगा